हेलो फ्रेंड, स्टूडेंट हेल्प में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। तो फ्रेंड, बहुत सारे कैंडिडेट का मेरे पास मैसेज आ रहा है कि सर, मेरा बॉर्डर सिक्योरिटी कोड मतलब कि BSF का पासवर्ड रीसेट नहीं हो रहा है। जब मैं पासवर्ड रीसेट करता हूँ तो मेरा उसी विंडो पर रिडायरेक्ट कर रहा है कर दे रहा है। तो इसका फ्रेंड मैं सोल्यूशन लेके आया हूँ, कैसे आपको अपना पासवर्ड BSF का डाउनलोड रीसेट करके दोबारा से आप एडमिट कार्ड अपना डाउनलोड कर सकेंगे। तो फ्रेंड चलिए देखते हैं कैसे आपको पासवर्ड रीसेट करना है, तो सारा चीज़ इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो उससे पहले दोस्तों, अभी तक यूट्यूब चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके हमसे जुड़ जाइए BSF से रिगार्डिंग पल पल की अपडेट के लिए। तो चलिए देखते हैं कैसे आपको रीसेट करना है। तो ये ऑफिशियली वेबसाइट में लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा नीचे, वहाँ से आप जा सकते हैं। तो यहाँ पर फ्रेंड एडमिट कार्ड वाले सेक्शन में यहाँ पर मैं क्लिक करूँगा। तो जैसे यहाँ पर क्लिक करता हूँ फ्रेंड, तो एक नया विंडो मुझे ले जा रहा है, ठीक है। तो इसके बाद फ्रेंड आपको क्या करना है, तो आपको वीडियो देख रहा है पूरी। तो फ्रेंड यहाँ पे ये विंडो ओपन होके आ गया है, डाउनलोड एडमिट कार्ड वाला सेक्शन। तो फ्रेंड आपको इसमें कुछ नहीं करना है, तो इसमें नहीं करना है किस चीज़ में आपको क्या छेड़छाड़ करनी है, तो मैं आपको बताने वाला हूँ। तो फ्रेंड सबसे पहले मैं इसको जूम कर लेता हूँ, तो जूम कर देंगे थोड़ा सा आपको दिखने लगेगा। तो फ्रेंड यहाँ पर साफ साफ लिखा है फॉरगेट पासवर्ड। तो फ्रेंड जैसे यहाँ पर क्लिक करता हूँ फॉरगेट पासवर्ड पे, देखते हैं किस जगह पे हमें किस विंडो पे रिडायरेक्ट करता है। तो फ्रेंड वीडियो पूरी देखना है, वीडियो स्किप नहीं करना, नहीं तो स्किप फ्रेंड वीडियो करके आप देखेंगे तो आप मतलब पासवर्ड नहीं रीसेट कर पाएंगे। तो फ्रेंड यहाँ पे रीसेट पासवर्ड का एक पॉपअप विंडो ओपन हो गया है, तो इसी में सारा काम आपको करना है। तो क्या क्या काम करना है मैं आपको ये सारा डिटेल भर के बता रहा हूँ, ठीक है फ्रेंड। तो फ्रेंड जैसे मैंने अपना रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ पे डाल के किसी मतलब ऐसे जगह साइट पे क्लिक किया, तो यहाँ पे दिखा रहा है योर ईमेल आईडी इतनी, मतलब कि मेरी ईमेल आईडी फ्रेंड जो है MOSMO से स्टार्ट होके एम पे ख़त्म हो रही है। तो उसके बाद फ्रेंड यहाँ पे एक हो रहा है कि योर मोबाइल नंबर, तो योर मोबाइल नंबर इतना है, मतलब लास्ट और फर्स्ट और लास्ट के डिजिट बता रहा है, तो आपको देख लेना है, आपको तब पासवर्ड फॉरगेट करना है। ये चीज़ें देख के तब फ्रेंड फॉरगेट करना है, कहीं आप ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर गलत तो नहीं दे रहे हैं। तो इसको पहले वेरीफाई कर लेना, तब आपको पासवर्ड फॉरगेट करना है। तो मैं अपना ये वाला ईमेल आईडी और ये मोबाइल नंबर डाल के चेक कर ले रहा हूँ मेरा फॉरगेट हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो फ्रेंड आप यहाँ पे देख सकते हैं मैंने अपना रजिस्ट्रेशन नंबर और राइट ईमेल आईडी और राइट मोबाइल नंबर और ये कैप्चा फिल कर दिया है। तो अब इसको मैं नेक्स्ट करता हूँ। नेक्स्ट करने के बाद फ्रेंड देखते हैं क्या होता है। तो यहाँ पे सबमिट का बटन है फ्रेंड, सबसे पहले आपको यहाँ पे सबमिट करना है। तो एक बार फ्रेंड आप और चेक कर लेना है कि आप ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर सही दे रहे हैं या नहीं। तो अपना एक बार रजिस्ट्रेशन नंबर मिला लें, तो जहाँ पे सबमिट पे क्लिक करता हूँ मैं। तो जैसे फ्रेंड सबमिट पे क्लिक किया, मेरे पास फिर वही विंडो वही सेम चीज़ रिडायरेक्ट हो के आ रहा है। तो ये क्या रिडायरेक्ट हो के आ रहा है मैं आपसे बताने वाला हूँ। इसके बारे में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ फ्रेंड यही है। तो इसी विंडो इसी मतलब मैसेज से बहुत सारे कैंडिडेट परेशान। तो यहाँ पे फ्रेंड साफ साफ लिखा है कि लॉग इन पासवर्ड सेंड टू योर रजिस्ट्रेशन नंबर रजिस्टर्ड ईमेल आईडी या मोबाइल नंबर, मतलब कि बता रहा है कि आपका जो पासवर्ड उसे रीसेट हुआ है सेट हुआ है वो आपके मोबाइल नंबर या तो ईमेल आईडी पे पहुँचा दिया गया है। तो इसको कैसे चेक करना है, आप बहुत सारे कैंडिडेट ईमेल आईडी नहीं चेक कर पा रहे हैं, तो कैसे चेक करना है मैं आपको बताने वाला हूँ। तो चलिए फ्रेंड चलते हैं ईमेल आईडी के सेक्शन में। तो फ्रेंड मैं आपको ईमेल आईडी के सेक्शन में लेके जाने वाला हूँ, तो आपको वीडियो के साथ बने रहना है, ठीक है फ्रेंड। तो यहाँ पे फ्रेंड थोड़ा से आप वेट कर। तो फ्रेंड यहाँ पे मैंने अपनी ईमेल आईडी ओपन कर रखा है, तो यहाँ पे देखिए अभी कोई मैसेज शो नहीं हो रहा है। तो आपको कैसे ये मैसेज देखना है, तो सिंपली से इस तीन डॉट पर जाना है। उसके बाद फ्रेंड आपको क्या करना है, नीचे सबसे चले जाना है। तो आपको दो जगह यहाँ फ्रेंड चेक करना है, कहाँ कहाँ चेक करना है, या तो आप ऑल ईमेल पे क्लिक कर दिए या तो स्पैम मैसेज में क्लिक कर दिए। तो सबसे पहले फ्रेंड मैं ऑल ईमेल पे क्लिक करता हूँ, देखता हूँ मैसेज मेरा आया है कि नहीं। देखिए फ्रेंड यहाँ पे एक मैसेज है कि ये 6:48 से फ्रेंड मैसेज आया है, तो यहाँ पे BSF रिक्रूटमेंट, तो यहाँ पे वैलिडेशन का मैसेज आया है, तो इसको फ्रेंड मैं क्लिक करता हूँ। तो फ्रेंड यहाँ पे इसको मैं जैसे ही क्लिक करता हूँ उसके बाद देखिए क्या होता है। तो उसके बाद फ्रेंड यहाँ पे एक लिखा है कि योर रजिस्ट्रेशन नंबर इतना, और तो इसमें और फ्रेंड की योर पासवर्ड इस इतना, मतलब ये पासवर्ड जो फ्रेंड मेरा है ये मेरा पासवर्ड है, तो इसी को मैं डाल के अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड करूँगा। तो फ्रेंड ये पासवर्ड पहले मैं ये कॉपी कर लेता हूँ, इस पासवर्ड को भी कॉपी करके, तो सिंपल से मैं आ जाता हूँ। तो फ्रेंड यहाँ पे देखेंगे कि मैंने उसी विंडो में रजिस्ट्रेशन नंबर अपना राइट रजिस्ट्रेशन नंबर और उसी पासवर्ड को फ्रेंड यहाँ पर मैंने फिल कर दिया है। तो फ्रेंड यहाँ पर मैंने उसी पासवर्ड फिल करने के बाद यहाँ पर इस कैप्चा को भी फिल कर दिया है। तो एक बार मैं फिर से पासवर्ड वेरीफाई कर लेता हूँ।
तो फ्रेंड यहाँ पे मैंने अपना पासवर्ड वेरीफाई कर लिया है, राइट पासवर्ड और राइट रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड, जो मतलब कि उस ईमेल आईडी पासवर्ड और रजिस्ट्रेशन नंबर गया उसको मैंने यहाँ फिल कर दिया फ्रेंड। उसके बाद सिंपल से कैप्चा फिल कर दिया है, देखते हैं आगे क्या होता है। तो फ्रेंड आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मेरा जो एडमिट कार्ड है वो डाउनलोड हो गया है, रजिस्ट्रेशन नंबर, ये रोल नंबर, ये नाम, ये पोस्ट नेम, ये सेंटर नेम, ये सेंटर एड्रेस, ये एग्ज़ाम डेट और ये टाइम, और यहाँ पे लिखा है कि व्यू एंड डाउनलोड। तो आपको यहाँ पे छोटा सा लिखा है, मैं आपको जूम करके दिखा दूँ फ्रेंड, नहीं तो आप फ्रेंड समझेंगे ये मतलब फर्जी बता रहा है। तो फ्रेंड मैं अपने चैनल पर कोई चीज़ फर्जी नहीं बताता। तो यहाँ पर साफ साफ लिखा है कि डाउनलोड योर एडमिट कार्ड, तो इसको मैं डाउनलोड कर लेता हूँ। उसके पहले दोस्तों एक और मैसेज आपको बताता हूँ मैं, तो अभी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ चैनल से जुड़ जाइए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। तो फ्रेंड यहाँ पे मैसेज ये कहा है कि, तो फ्रेंड यहाँ पे एक मैसेज का डू यू वांट टू चेंज योर पासवर्ड क्लिक है, मतलब आप अपना इस पासवर्ड को चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ पे क्लिक करिए। तो अगर फ्रेंड आप चेंज करना चाहते हो तो यहाँ पे आप क्लिक करके अपना पासवर्ड चेंज कर सकते हैं। तो इसको कैसे करना है तो इसको इसका भी प्रोसेस दिखा दे रहा हूँ। तो ये फ्रेंड होगा जब आप उस रजिस्ट्रेशन नंबर को डाल के, मतलब जो आपके ईमेल पे गया है उसका सारा प्रोसेस करने के बाद ये हो रहा है। तो यहाँ पे क्लिक करता हूँ, तो यहाँ पे क्लिक करने के बाद फ्रेंड ये सर्वर इरर आ रहा है, तो ये सर्वर इरर आ रहा है तो ये ठीक हो जाएगा घंटे दो घंटे बाद, इसके कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो हेलो फ्रेंड, ये वीडियो आपको कैसे लगे दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना, BSF से रिगार्डिंग पल पल की अपडेट के लिए भी चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो फ्रेंड BSF यहीं पर वीडियो अंत करते हैं, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।